गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं उज्जवल, ये शिवम। आज हम फिर से एक्सप्लोर करने वाले एक बहुत ही एंशिएंट प्लेस सुजाता टेंपल को। तो आज अभी हम आ चुके हैं बोध गया और सुजाता टेंपल के रास्ते में ही हमारे एक बहुत ही खास दोस्त का एक जूस कॉर्नर है। और सुजाता टेंपल के बारे में भी जिन्होंने हमें लोकेशन के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जिन्होंने हमें बताया था, हमारा बहुत ही खास दोस्त मिस्टर अल्ताफ। वेलकम टू आवर चैनल। शुक्रिया भाई आने के लिए भाई, बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप रास्ते में जाते हो तो रास्ते में ब्रिज से पहले ये शॉप पड़ता है हेल्थ किंग जूस कॉर्नर, आप भी यहाँ जरूर आए। गाइज हम अपने लोकेशन सुजाता टेंपल पर आ चुके हैं और ये इतना खास और ऐतिहासिक क्यों माना जाता है इसके बारे में हमें यहाँ के निवासी, यहाँ के केयर टेकर श्री उपेंद्र जी से जानकारी मिलेगी। तो स्वागत है हमारा उपेंद्र जी का हमारे YouTube चैनल पर, और इनसे हमें जानकारी मिलेगी कि सुजाता टेंपल की खासियत क्या है, ये ऐतिहासिक क्यों है, यहाँ का इतिहास क्या रहा। तो उपेंद्र जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ का इतिहास क्या रहा। नमस्ते आप लोगों का और स्वागत है इस मंदिर के अंदर आप लोगों का। ऐसा है कि ये जो जगह है बहुत ही पुराना स्थान है। कहने का मतलब ये है कि लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है, जिस समय सिद्धार्थ गौतम इस धरती पर, पावन धरती पर आए थे। ये पूरा जो क्षेत्र था वह 16 जनपद में बटा हुआ था। उसमें से आपको मालूम होगा कि इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है कि मगध एक शक्तिशाली और समृद्ध जनपद में से आता था। उसका राजधानी जो होती थी वह राजगृह हुआ करती थी। तो जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के पहले अपने जीवन को उन्होंने सोचा था कि इस जीवन का क्या महत्व है, सारे लोग आते हैं और दुख पाते हैं, और दुख का कारण क्या है, दुख मुक्ति का उपाय क्या है। तो इसको ढूंढते ढूंढते वो राजगृह से चल कर के 80-85 किलोमीटर लगभग दूरी तय कर के और ढोंगेश्वरी पहाड़ी पर पहुँचे, जहाँ आप जा कर के देखेंगे वहाँ पर गुफा में बैठ करके उन्होंने साधना किया। और साधना करने के पश्चात उनका जो शरीर था, आप देख रहे हैं, आप यहाँ उनका शरीर देखिए किस तरह से उनका जीर्ण शीर्ण हो गया था शरीर। वो उनका आप प्रतिमा देख कर के आकलन कर सकते हैं कि उनका किस स्थिति में हो गए थे तपश्चर्या करते करते। तो कहने का मतलब ये है
कि जब उन्होंने इतना कठोर तपस्या किया तब तपस्या के बाद भी उनको जो उद्देश्य था, जो मनुष्य दुख पाते, मनुष्य ही नहीं सारे प्राणी जी, सारे जी, प्राणी जी। दुख पाते हैं, दुख का कारण क्या है, दुख मुक्ति क्या उपाय क्या है, यह मार्ग जब नहीं मिल सका तो वो ढोंगेश्वरी पहाड़ी को छोड़कर इधर आ गए। अच्छा। और ये जो है, ये जो पूरा जो क्षेत्र था वो जंगल ही जंगल हुआ करता। अच्छा, अच्छा। यहाँ से लेकर करके जो अभी बोध गया जो शहर बसा हुआ वो जो है आपको उरुवेला आश्रम से नाम से जाना जाता था। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि इस जब जंगल में वो पहुँचे तो एक वट वृक्ष हुआ करता था, जो अभी आप देख रहे हैं ये वट वृक्ष, ये उसी का एक जेनरेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। अच्छा, मतलब ये उसी समय से चला आ रहा है। जी। अच्छा। उसी समय से ये जो वृक्ष है वो उसका जेनरेशन, मतलब कहने का मतलब उसी जड़ से दूसरा जन्म लिया, इस तरह से ये चल रहा है। तो ये वृक्ष की प्रधानता है कि बौद्ध धर्म में कि इसका एक भगवान बुद्ध के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट हुआ था इस वृक्ष के नीचे, इस वट वृक्ष के नीचे जब उन्होंने यहाँ पर अपना पदार्पण किया, तो उस समय ये सब जो गांव है, जो कस्बा है, इलाका जो है जी, वो कहलाता था, आज तो वर्तमान में इसे बकरौर ग्राम कहते हैं। अच्छा। लेकिन उस समय यह जो क्षेत्र था वह सेनानी नाम से जाना जाता था, सेनानी के नाम से जाना जाता था। तो सेनानी एक राजा हुआ करते थे, तो उन्हीं की पुत्री थी सुजाता। अच्छा। सेनानी राजा की पुत्री हुआ करती थी सुजाता। तो उसके विवाह हुए बहुत वर्ष हो चुके थे लेकिन संतान नहीं था, जिस कारण से वह दुखी रहा करती थी। प्राचीन समय में जिसे संतान नहीं होते थे तो उस समय लोग बहुत दुख व्यक्त करते थे। आज भी वह परंपरा है लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही था, उस समय जो जिसको उस समय तो खैर बहुत ज़्यादा था, लोग ऋषियों के पास जाते थे, हाँ, संतान प्राप्ति के लिए बहुत तरह के उपाय करते थे। तो उसमें सुजाता ने, ये गांव का एक परंपरा है। अच्छा, इस गांव का जो आप इस गांव में आए हैं जी, ये गांव का जो बकरौर ग्राम का परंपरा रहा है कि जिसको भी कोई कष्ट रहा। अच्छा। तो इस वृक्ष के पास में, चाहे वह उसका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के लिए वह मनोकामना मांगता है, या विवाह के उपरांत उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते इसके लिए वह कुछ मांगती है, स्त्रियां उसका पति दीर्घायु हो इसके लिए भी मांगती है। तो क्या है? आज भी लोग ऐसा करते हैं, मतलब आज भी लोग अपने आप को शांत करने के लिए या कुछ इस तरह के, मतलब उनको दिक्कत है तो वो यहाँ आते हैं? आज भी बोध गया थाना क्षेत्र में जी, यह जो बरगद का पेड़ है इसमें इधर 3-4-5 कोस के अंदर सब महिलाएं यहाँ पर आकर के पूजा करती है और वैवाहिक जीवन सफल रहे इसके लिए कामना करती है, विवाह से पूर्व भी और विवाह के बाद भी। तो आज भी यह परंपरा चल रहा है। तो उस जमाने में जब सिद्धार्थ गौतम यहाँ पर आए और उन्होंने साधना में लग गए, तो उसी समय जो है सुजाता ने, मैंने आपको बताया कि सुजाता यह मनोकामना मान चुकी थी इस वट वृक्ष के पास में कि अगर मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो हम जो है इस वट वृक्ष के पास में खीर दान करें। अच्छा। तो वही जो है मनोकामना उसका पूर्ण हो गया। तो कहानी है कि उसकी बहुत सारे दासियां हुआ करती थी। अच्छा। आप इस तरफ ध्यान देंगे, इसमें आप दो महिलाएं देख रहे हैं जी, एक तो रही सुजाता, और दूसरी जो है वह अन्नपूर्णा, इसको अच्छा पन्ना भी बोलते हैं, अन्नपूर्णा भी बोलते हैं। तो ये पन्ना नाम की दासी है, यह किसकी दासी है? सुजाता की। अच्छा, वो उनकी, मतलब ये जो पन्ना नाम की वो इनकी दासी है। दासी जी। तो ये दासी जो है इसी को उन्होंने आदेश दिया या विनय विनती किया कि उस स्थान पर आप जाइए जहाँ पर मैंने ऐसा मनोकामना माना है, उस जगह पर आप जाइए और जा कर के सफाई उफाई करके आइए। अच्छा। आज मेरा मनोकामना पूर्ण हो गया है। तब यह सबसे पहले सुजाता से पहले यही आई है। अच्छा, पन्ना नाम की दासी आई है।
तो वह साफ सफाई करने के लिए आई थी। इस शरीर का आकार इस तरह से हो गया था, उसी ने देखा था पन्ना नाम के दासी। तो उसने जाकर के अपने मालकिनी सुजाता को बताया था कि मालकिनी मालकिनी मैंने ऐसा देखा है कि उस स्थान पर उस वटवृक्ष के पास में ऐसे महात्मा आए हुए हैं जिनका शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया है तपस्या करते करते, तो पता नहीं वो कौन है मालूम नहीं। तो उसने जाकर करके सुजाता ने सोचा कि हो सकता है कि हमारे भक्ति से हमारे विचार से स्वयं वृक्ष देवता प्रकट हो गए, ऐसा समझ कर करके सुजाता घर में खीर बनाई है। अच्छा। और खीर बना करके प्रेम पूर्वक खीर लेकर के आई है और खीर जो है भेंट करना चाह रही है कि हे आप खीर को ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। लेकिन उन्होंने खीर को ग्रहण करने की बात छोड़ी और उन्होंने उस तरफ देखा भी नहीं। अच्छा। और तपस्या में लीन थे। तो सुजाता के साथ में जो महिलाएं लोग आए थे एक गीत गुनगुना रहे थे, उस गीत का मतलब था कि हे वीणा के वादक, वीणा के तार को इतना मत कस दें कि तार जो है टूट जाए और इतना भी ढीला मत करें कि उससे सुर न निकले। सही बात। तो ये जो है आवाज़ उनके कानों तक जा रही थी। अच्छा। सिद्धार्थ गौतम के कानों तक। तो उनको ये लगा कि ये जो उपदेश है, जो ये बातें हैं, वो मुझ पर जाती है, कारण कि मैं भी तो इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ परंतु कुछ मिल नहीं रहा। इसलिए वीणा के तार को इतना मत कसें कि तार जो है टूट जाए, इतना भी ढीला मत करें कि उससे आवाज़ ना निकले। कहने का मतलब न इतना ज़्यादा कठोर तपस्या कीजिए कि उससे जो है शरीर ही नष्ट हो जाए, और न इतना सरल तपस्या कीजिए जिससे उसको कोई फल ना मिले, प्राप्ति ना हो। तो इसलिए वो मध्यम मार्ग अपनाते हैं। ये जो जगह पर, जिस ठिकाने पर आप आए हुए हैं जी, ये वह जगह है जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए, उनका जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है, जीवन का बदलाव का चरण है जी। तो उन्होंने यहीं से अपना जो तपस्या का मार्ग चुना था उसमें विराम लगाया, उसमें कमी किया और मध्यम मार्ग को अपनाते हुए सुजाता के दिए हुए खीर को ग्रहण किया। और यहाँ से जाने के बाद ये दो नदियों का संगम है, निरंजना और महाने। तो दोनों नदियाँ जब मिल जाती है तो उसको फल्गु कहा जाता है। अच्छा। आप निरंजना में उन्होंने जा करके उसी बर्तन का, जो सुजाता के दी हुई खीर जो थी, उस बर्तन को वो सुजाता वापस नहीं ली और उस सुजाता का दिया हुआ कटोरा को निरंजना नदी में जा करके उन्होंने परीक्षा लिया था कि मेरी तपस्या सही है, सही मार्ग है। तो यह बर्तन जो है हम नदी के प्रवाह जो बह रहा है, नदी का धारा जो बह रहा है जी, उसमें अगर हम इसको छोड़ते हैं तो यह प्रवाह जो है उसके साथ में ये बर्तन चला गया तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा। और जैसे ही ये बर्तन उल्टा धारा के विपरीत दिशा की ओर में बहेगा तब समझेंगे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इस तरह से वो बर्तन को छोड़ते हैं, बर्तन प्रवाह के विरुद्ध दिशा में बहता है। और फिर आगे गए, वह पीपल के पेड़ के पास में गए, महाबोधि विहार। अच्छा। वहाँ उन्होंने साधना किया, 7 सप्ताह उन्होंने बिताया। अंत में जा करके बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब जा करके उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको सम्यक संबुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो वहाँ से बुद्ध हो गए। ये जो ठिकाना है, ये जो जगह है सिद्धार्थ और वो जो जगह है वो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद वो बुद्ध की जगह। ऐसे यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ आती है तो यहाँ उपेंद्र जी से जानेंगे कि यहाँ कब लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है और विदेशों से पर्यटक कब यहाँ ज़्यादा आते हैं, बताइए जरा उपेंद्र। ऐसे तो इस वर्ष की बात दूसरी है, कारण कि इस समय कोरोना वायरस का संक्रमण है। बिल्कुल। तो इस वर्ष को अगर छोड़ दिया जाए, पिछले रिकॉर्ड देखा जाए तो आधा जुलाई के बाद, मतलब 15 जुलाई से शुरू हो जाता है पर्यटक लोग आना, मतलब जुलाई से पंद्रह जुलाई से जो शुरू हो जाता है वो लगभग मई महीने तक, मई जो महीना होता है उस तक पर्यटक भारी मात्रा में यहाँ पे आते हैं। लेकिन फिर जून और जुलाई में 15 दिन, माने ये लगभग 1.5 महीना पर्यटक न के बराबर आते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ लगभग 10-10.5 महीने तक यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, भीड़ रहती है, लोगों का आना जाना लगा। विशेष रूप से
दिसंबर और जनवरी में जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। जो है यहाँ पे आदरणीय दलाई लामा जी का भी कार्यक्रम होता जी, है जी, जी। काल चक्र पूजा होते हैं, मोनियुलम पूजा होता है। तो विदेशों से मतलब काफ़ी लोग, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर हमारे हमारे अपने देश से लोगों की क्या संख्या रहती थी पहले? देखिए ये कोरोना वायरस के पहले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सारे जो स्टेट के लोग थे जी, वो सब के सब आते थे। लेकिन ये कोरोना वायरस से लेकर के जो जो मैंने बताया सारे राज्यों के, वो सब तो बिल्कुल बंद ही, क्योंकि गतिविधियां बंद हो गई, ट्रेन नहीं चल रही है, कोई यातायात का साधन नहीं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर एक म्यांमार के द्वारा एक डोनेट भी किया गया है शायद कोई, उन्होंने 93 में यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति और सुजाता की मूर्ति, अच्छा मतलब 93 में ही दान किया था, 93 में वो आकर करके ये दोनों मूर्तियाँ दान में की थी। अच्छा। जो आप देखेंगे कि इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये बुद्ध भगवान की मूर्ति जो है, प्रतिमा जो है वो आप देख रहे हैं, और ये सुजाता की है जो क्षीर दान देते हुए प्रतिमा है, प्रतिमा ये दोनों प्रतिमा जो है 93 में जो है डाउ खिनविन फैमिली के द्वारा दिया अच्छा। गया था। तो आप इसका नेम प्लेट भी देख सकते हैं कि उन्होंने ये दान किया था। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं जी, जो कि पौराणिक है, पुराने समय का है। अच्छा। ये पेड़ के पास में हुआ करता था। तो ये जो आप कुछ मूर्तियां देख रहे हैं जी जी, जो कि पुराने हैं, ये चूँकि ब्लैक स्टोन है, लेकिन ये थाईलैंड के लोग और देश के लोग आते हैं तो इसमें ये पेंट ऑन कर दिए हैं, इसलिए ये येलो दिख रहा है, परंतु ये एक्चुअली ब्लैक ही है। अच्छा। लेकिन ये है पुराना, लेकिन कुछ श्रद्धालु आए हैं और उसको पीले रंग से पेंट कर दिए हैं, इसलिए ये नवीन दिख रहा है, लेकिन ये पुराना ही है जो कि आप देख रहे हैं। तो मतलब ये पत्थर का बना हुआ है, ये पत्थरों से निर्मित है, और इसमें लगता है सब में बुद्ध भगवान की। इसको आप इधर आइए, आपको मैं दिखाता हूँ जी, ये सहस्त्र बुद्ध हैं। अच्छा। सहस्त्र बुद्ध की मूर्ति जो कि इसमें आप देखेंगे कि ये अशोककालीन समझा जाता है, मान्यता है कि अशोककालीन जो है ये मूर्तियां हैं सहस्त्र बुद्ध की। इसको तिब्बतियन लोग सांजेस तोंगु बोलते हैं, हजार बुद्धा बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, जो देख रहे हैं म्यांमार का ही दिया हुआ। अच्छा, है ये भी उन्हीं का दिया हुआ है ये, लेकिन बाद का है। अच्छा। ये बिल्कुल 2017 में रिसेंटली डोनेटेड है, 2017 में ये दिया गया है। लैंप हाउस जो आप देख रहे हैं जी, दीपघर, आदरणीय दलाई लामा जी का प्रतिमा है, और ये चाइना के हैं कर्मापा जी। अच्छा। चाइना के कर्मापा जी हैं, और बीच में सिद्धार्थ गौतम हैं तपस्या मुद्रा में। तो जैसा कि अभी उपेंद्र जी ने हमारे दर्शकों को यहाँ की सारी जानकारियाँ दी, तो मैं एक बार तहे दिल से इनका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिनके कारण हमें इस सुजाता टेंपल का इतिहास, यहाँ की वो छोटी से छोटी चीज़ें हमें भी और हमारे दर्शकों को भी पता चली है। जैसा कि ये मंदिर देखा हमने, काफ़ी सारा हमने अच्छे से घूमे हैं। तो एक बार मैं फिर से तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा उपेंद्र जी। मैं भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय यहाँ पर बिताया और यहाँ के बारे में सुना ध्यान से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों को जो इस चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, विनती है कि इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब करें, कारण कि इसका इस जगह का प्रचार प्रसार तेजी से हो, जिसके लिए आप अवश्य ही जो भी आपने सुना आप पसंद करने के बाद उसे सब्सक्राइब कर दें। यही मेरा आपसे विनती। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।